हेलो बच्चों, आप सभी का 11th क्लास में स्वागत है। मोरमला टीचर बोल रही हूँ। अभी हम पढ़ेंगे इको। इको यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसका हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से। मानव बुद्धिशाली प्राणी, इसलिए वह अपने आसपास की परिस्थितियों का विश्लेषण करके उसका वर्गीकरण कर सकता है। मानव जीवन सुखमय हो, इसलिए उसने कई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। इन व्यवस्थाओं को समझने के लिए, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए तथा व्यवस्था में उत्पन्न प्रश्न समस्या हल करने के लिए व्यक्ति ने विविध शास्त्रों की रचना की। इसमें क्या है कि मानव एक बुद्धिशाली प्राणी होता है, यानी उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। तो जो भी उसके आसपास में जो भी परिस्थिति जैसी भी हो, तो वो क्या कर सकता है, उसके बारे में सोच लेता है, समझ सकता है। अब व्यक्ति कोई भी हो, उसे अपने सुख में है, यानी अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना है, वह अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण करना होता है। इसके लिए वो क्या करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी उसकी समस्या है, उनका समाधान भी उसे करना पड़ता है। और ये सब किसके द्वारा की गई, उसमें एक शास्त्रों की रचना की गई, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल कर सके। अनादि काल में मानव कई प्रश्नों और समस्याओं का हल लड़ाई और युद्ध के द्वारा करता था। पहले के लोग में क्या था कि वो अपनी जो भी उनकी समस्या थी, या युद्ध करा, लड़ाई करा, उनको लगता था कि इसके द्वारा ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किंतु बौद्धिक विकास होने से समस्याओं का हल शास्त्रों के द्वारा बौद्धिक गणना करने लगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक समस्याओं के हल तथा मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन भी करने लगा। अब शास्त्रों की रचना क्यों की गई, क्योंकि व्यक्ति पहले अपनी समस्याओं का हल कैसे करता था, युद्धों के द्वारा करता था, लड़ाई झगड़े के लिए द्वारा करता था, लेकिन शास्त्रों के द्वारा वो गणना करके अपनी जो समस्याएं थी उनका समाधान वो करने लगा। सबसे पहले अर्थशास्त्र का अर्थ, के अर्थशास्त्र होती क्या है। अर्थशास्त्र शब्द का सामान्य अर्थ है अर्थ का शास्त्र, यानी, और इसे संस्कृत शब्द अर्थ पर से इस शब्द की प्राप्ति हुई है। संस्कृत में अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं, जिसमें से एक है उद्देश्य कुछ प्राप्त करना, जो आधुनिक आर्थिक अर्थ के साथ अधिक सुसंगत है। अर्थशास्त्र का मेन अर्थ क्या निकलता है कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना। अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स, ग्रीक शब्द ऑल्कोमिक्स कॉज से उत्तरित हुआ है। प्राचीन ग्रीस में लोग घरेलू सर सामान की जो निजी मालिकी होती थी, वे ऑयकोस कहते थे, यानी ये हमारी है, हमारा हक है इस पर। जो और घरेलू सर सामान के व्यवस्थापन की रीति को नोमोस कहते थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, ऑलिकॉस और नॉमोस कहा जाने लगा। यानी यह सब चीज़ें हमारी है, और इसकी व्यवस्था की जो रीति बना दी है वो भी हमारी सबकी है। अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन। भारत में सभ्यता और संस्कृति का इतिहास लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जो सभ्यता और संस्कृति जो चली आ रही है, वो काफ़ी पुरानी चल रही है। इसीलिए भारत तत्व चिंतन से मानव जीवन के विविध पहलुओं का अध्ययन और मार्गदर्शन देखने को उसमें मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जो मानव को ही करने होते हैं। मानव के द्वारा किए जाने वाले चार जो पुरुषार्थ हैं, मानव जीवन के ये चार मुख्य उद्देश्य, जिसमें से अर्थ के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियां अर्थशास्त्र से संबंधित है। कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा से की जाने वाली प्रवृत्ति अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है। जीवन निर्वाह और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अर्थों का उपार्जन, यानी आय प्राप्त करना, मानव का कर्तव्य है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कौटिल्य की, जिसकी दूसरा नाम चाणक्य है, मानव की आर्थिक प्रवृत्ति का चिंतन बहुत उन्होंने प्रस्तुत किया था। इस संदर्भ में कौटिल्य के मतानुसार मानव की प्रवृत्ति अर्थ, मनुष्य जहाँ निवास करता है वह भूमि भी अर्थ है। इसीलिए पृथ्वी से लाभ प्राप्ति के उपाय को दर्शाने वाला शास्त्र, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। भारतीय चिंतन में मानव कल्याण का संपूर्ण रूप से विचार किया जाता था। आर्थिक प्रवृत्ति केवल अर्थ केंद्रित न रहकर नैतिक आधार के साथ समस्त मानव कल्याण को ध्यान में रखकर की जाती थी। इसीलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र में नीति शास्त्र की छाप भी दिखाई
देती है। बल्कि चाणक्य के ज़्यादातर विचारों में सार्वजनिक सामूहिक आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र स्थान है। विशेष रूप से राजशाही राजव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर आर्थिक संसाधनों का मार्गदर्शन कौटिल्य ने ही प्रस्तुत किया था। अब यह पश्चिम में अर्थशास्त्र का उदय यानी पश्चिम में जो अर्थशास्त्र की शुरुआत किस प्रकार से हुई। दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ने इकोनॉमिका नामक पुस्तक लिखी थी, अंडरलाइन कर लो, उसमें आर्थिक चिंतन किया था। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म श्रम विभाजन हुआ यानी कम जो श्रम मेहनत का विभाजन हुआ था, विशिष्टीकरण हुआ था, कोई एक कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किए जाए उसमें वह कुशलता प्राप्त करे, उसी प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और संशोधन में भी विशिष्टीकरण हुआ था। भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले शास्त्रों में भी विशिष्टीकरण हुआ। अध्ययन की पद्धति मात्र तर्क या कल्पना पर आधारित न रहकर प्रयोग और जांच आधारित वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन शुरू हुआ। अर्थात अभी तक मानव के आर्थिक व्यवहार का राज्यशास्त्र और नीतिशास्त्र या दर्शन शास्त्र के भाग के रूप में अध्ययन हुआ था, इसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन हुआ है। यानी कि है पश्चिम अर्थशास्त्र में जब पश्चिम उद्भव विकास में जब अर्थशास्त्र का विकास हुआ तो वो किस प्रकार से उसका विकास हुआ था। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, विशाल पूंजी के परिणाम स्वरूप नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं सामने आई। जब बड़े बड़े पैमानों का जब बड़े बड़े उद्योगों का शुरुआत करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत यंत्रों की आवश्यकता होगी जो भी बड़े पैमाने पर, अब बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो बड़े पैमानों की यंत्रों का भी उपयोग होगा और उसमें विशाल पूंजी भी लगेगी, इसकी भी व्यवस्था यानी ये सभी इन चीज़ों की भी हमें आवश्यकता होने लगी। इस संदर्भ में किसी भी देश की आर्थिक संपत्ति में वृद्धि के कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इस प्रश्न का गहन चिंतन के फलस्वरूप 1976 में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का स्वतंत्र चिंतन करने वाली पुस्तक प्रस्तुत की। एडम स्मिथ ने जो अर्थशास्त्र में जो पुस्तक लिखी थी वो है अर्थशास्त्र या संपत्ति का शास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, संपत्ति माना गया शास्त्र है। उनका मानना है कि उत्पादन श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाले भौतिक संपत्ति के उत्पादन उपभोग और विनिमय का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात ही अर्थशास्त्र है। यानी भौतिक वस्तु है जो संपत्ति है उनसे होने वाले उत्पादन वस्तु यानी उत्पादक ये किसके द्वारा किया जा सकता है, अर्थशास्त्र के माध्यम से किया जा सकता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया है क्योंकि वह एक और मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है तो दूसरी ओर उसके अध्ययन की पद्धति की वैज्ञानिक है। एडम स्मिथ ने मानव के आर्थिक व्यवहार का स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारंभ किया और नीति शास्त्र को आर्थिक अध्ययन से दूर रखा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, अंडरलाइन कीजिए, वेल्थ एंड नेशनल में यद्यपि मानव कल्याण की बात भी कही है। मार्शल के द्वारा दी गए अर्थशास्त्र की परिभाषा 1890 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल और इकोनॉमी में अर्थशास्त्र की व्याख्या देते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र मानव के दैनिक जीवन में होने वाले व्यवहार का अध्ययन करता है जिससे वह भौतिक चीज वस्तु के उपयोग से सुख भी प्राप्त करता है। इस प्रकार मार्शल के मतानुसार अर्थशास्त्र मानव की दैनिक आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है यानी रोजमर्रा में जो प्रवृत्ति होती है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र के द्वारा ही किया जाता है। व्यक्ति भौतिक चीज वस्तु के उपयोग से किस प्रकार से सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है उसका विश्लेषण करता है। यानी व्यक्ति को क्या है, अपनी चीज वस्तुओं के लिए जो काम में चीज वस्तु लेनी है वो किस प्रकार से काम में लेता है। लेकिन मार्शल भौतिक और मापी जा सके ऐसी वस्तुओं के उपयोग में की चर्चा करते हैं, इसीलिए मार्शल की इस व्याख्या को आलोचना हुई। इस बावजूद मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान पर रखा है। यानी मानव को आवश्यकता है, मानव के द्वारा ही की जा रही है, मानव के लिए कर रहे हैं तो उसको ही वो मेन पॉइंट मानते हैं। रॉबिन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा वो तो दी थी प्रोफेसर मार्शल ने। अब रॉबिन्स क्या कहते हैं, कोई भी शास्त्र अध्ययन मानव जीवन के किसी मूलभूत प्रश्न समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करता है। मनुष्य क्या करता है, जो भी उसके साथ समस्या आती है उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। मानव जीवन के आर्थिक पहलू में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वैकल्पिक उपयोग वाले मर्यादित साधनों का अहम आर्थिक आवश्यकताओं के साथ से सुसंगत करना है यानी किस प्रकार से उनके अंदर तालमेल बैठाना आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति अपनी आवश्यकता और वैकल्पिक उपयोगिता
वाले साधनों के बीच किस प्रकार से तालमेल बैठाता है उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित है, मनुष्य की आवश्यकता सीमित नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी चालू हो जाती है और वो बार बार होती रहती है, कितना ही कंप्लीट कर दो मगर एक के बाद एक आवश्यकता हमारी जन्म लेती रहती है। इसके विपरीत आवश्यकता संतुष्ट होने के साधन मर्यादित वैकल्पिक होने वाले साधन होते हैं, यानी मर्यादा जो इसके विपरीत क्या होती है, आवश्यकता जो संतुष्ट करते हैं लेकिन वो साधन तो सीमित ही है, वो ऐसा थोड़ी अभी इच्छा हुई अभी चालू हो जाएंगे। इस समस्या के संदर्भ में सार्थक कार्य कमी करने वाले साधनों को किस प्रकार से उपयोगी कि व्यक्ति की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरे करके उनका मार्गदर्शन किया जाए, यानी साधनों का उपयोग किस प्रकार से करें कि लोगों के का जो आवश्यकता जो पूरी करनी है उसके लिए उत्पादन अधिक से अधिक किया जाए। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तव लक्ष्य विज्ञान के रूप में भी प्रस्तुत किया है, वह मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र क्या है, उसका अध्ययन कैसा होना चाहिए, ऐसे नैतिक मुद्दे का अध्ययन नहीं करता है, इस अर्थ में वह वास्तविक लक्ष्य आदर्श लक्ष्य नहीं है। अब है सैमुअल चर्च के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा। समाज किस प्रकार से कमी वाले साधनों का उपयोग करके महत्वपूर्ण आवश्यकता का उत्पादन करता है, समाज में यानी जो कमी वाले साधन है उनका अधिक से अधिक किस प्रकार से अच्छे से उत्पादन किया जाए कि आवश्यकता की पूर्ति की जाए, उनका अलग अलग लोगों के बीच बंटवारा करता है यानी काम करने के और साधनों को बांटता है, जिसका अर्थशास्त्र अध्ययन भी करता है। अर्थात सैमुअलसन समाज की पसंदगी और बंटवारे के प्रश्न को अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देता है, यानी जो लोगों की जो समस्याएं हैं उन प्रश्न को और जो पसंदगी है उन सबको दूर कैसे किया जाए। इस प्रकार अर्थशास्त्र की विविध व्याख्याओं पर से नीचे दर्शाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र, ये वास्तविक लक्ष्य है, इसके अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है, इसलिए ये सामाजिक विज्ञान कहलाता है। आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति। मानव निरंतर प्रवृत्तिशील रहता है, मानव हमेशा लगा रहता है काम करने में, पूरे दिन में अनेक प्रवृत्ति करता है, बहुत सारे काम करता है दिन भर में, मंदिर में जाना, मित्रों के से मिलना, दुकान में बैठना, राजनीतिक चर्चा, टीवी, फिल्म इत्यादि, ये सब कार्य किसके हैं, ये सब मानव के, ये मानव की प्रवृत्ति है जो रोजमर्रा में काम में आती रहती है। अर्थशास्त्र मनु के तमाम आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन नहीं करता है बल्कि वह मनुष्य की केवल आर्थिक प्रवृत्तियों का ही अध्ययन करता है, इसीलिए अर्थशास्त्र की शुरुआत में आर्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन समझना आवश्यक है कि आर्थिक प्रवृत्ति होती क्या है। ये दो प्रकार की होती है, आर्थिक और अनार्थिक। पहले हम आर्थिक प्रवृत्ति पढ़ेंगे। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वस्तु और सेवा के विनिमय के लिए आय प्राप्त करने तक खर्च करने की प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा जो किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करे और किसके द्वारा होती है, वो वस्तु और सेवा के विनिमय के द्वारा, वस्तु और सेवा जब बेचते हैं लेन देन करते हैं तो उसके द्वारा क्या होती है, आय प्राप्त होती है, जो आय प्राप्त होती है उसे वो खर्च करने की प्रवृत्ति किस प्रकार से की जाए, यही आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है। आर्थिक प्रवृत्ति में तीन संदर्भ महत्वपूर्ण, आय, खर्च और विनिमय, अर्थात विनिमय के लिए आय प्राप्ति या खर्च करने की प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। संक्षेप में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवा की प्राप्ति के लिए आय प्राप्ति या खर्च प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। ये तो था हमारा आर्थिक प्रवृत्ति। अब हमारा अनार्थिक प्रवृत्ति। अनार्थिक प्रवृत्ति में क्या है, जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्ति खर्च करना है विनिमय करना न हो, यानी ऐसा उद्देश्य है उसमें तो क्या था कि ऐसा उद्देश्य था जिससे हम खर्च भी करें आय भी प्राप्त हो, यानी काम भी करें विनिमय भी करें, लेकिन इसमें अपोजिट होता है, इसमें उद्देश्य क्या होता है, न तो खर्च करना है न विनिमय करना है, और इसके अलावा क्या होता है, वो हमारी अनार्थिक प्रवृत्ति कहलाती है, जैसे दया, माया, प्रेम जैसी संवेदनाशील प्रवृत्ति। अब इसमें क्या है, न तो हमारे से इनकम प्राप्त हो रही है, न आय हो रही है, न खर्च हो रहा है, न विनिमय करना पड़ रहा है। जिस प्रवृत्ति में केवल आय या खर्च हो विनिमय न हो, वह प्रवृत्ति अनार्थिक प्रवृत्ति कहलाती है। उदाहरण, दान देने की प्रवृत्ति या खर्च होता है किंतु सामने से प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, यानी जिसमें लाभ प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेवा दी जाती है, वो होती है अनार्थिक प्रवृत्ति।
इस व्याख्या पर से ऐसा फलित होता है कि व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के ऐसे से लाभ और हानि की तुलना करते हुए जो प्रवृत्ति करता है उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं, जिसके दौरान विनिमय हो अर्थात आवश्यक है उस आर्थिक प्रवृत्ति की स्पष्टता के लिए नीचे उदाहरण है। पहला है होटल में खाना खाना, यानी खर्च करना आवश्यक, संतुष्टि करना। ये खर्च क्यों कर रहे हैं? हम अपनी संतुष्टि पूरी करने के लिए। सिनेमा घर में फिल्म देखना, ये क्या? ये ऐसा खर्च है जो मनोरंजन करता है। खेत में मेहनत करना, ये श्रम करके उत्पादन प्राप्त करना है। और पाठशाला में बच्चों को पढ़ाकर वेतन प्राप्त करना, यानी ये सेवा देकर आय प्राप्त करना है। इस प्रकार मानव की अनेक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता होती है उनसे प्राप्त करने के लिए वस्तु या सेवा देनी पड़ती है। इसके बदले में क्या होती है? हमें इनकम प्राप्त होती है अथवा पैसा खर्च करना पड़ता है, और बदले में वस्तु सेवा प्राप्त करने के हमारे पास जो वस्तु सेवा श्रम देना पड़ता है। उदाहरण मोटरसाइकिल की आवश्यकता। मोटरसाइकिल प्राप्त करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए किसान खेत में मेहनत करके श्रम से अनाज पैदा करता है, अनाज बेचकर पैसा प्राप्त करता है, उन पैसों से मोटरसाइकिल खरीदता है। ठीक उसी प्रकार अभिनेता, शिक्षक, वकील, पूंजीपति भी अपनी प्रवृत्ति करते हैं। इस प्रकार कुछ प्राप्त करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए खर्च करने की प्रवृत्ति को ही आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये भी आपके आर्थिक प्रवृत्ति, क्योंकि आप शिक्षा के द्वारा डिग्री, डिग्री के द्वारा नौकरी, नौकरी के द्वारा वेतन, और वेतन के द्वारा जो पैसा मिलेगा उसके द्वारा आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करोगे। यही यही सोच है आपकी। अब है सूक्ष्म लक्ष्य अर्थात और व्यापक लक्ष्य। अर्थशास्त्र का अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। जिस अध्ययन में अर्थशास्त्र का एक इकाई के रूप में विश्लेषण किया जाए उसे सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र, यानी एक ही इकाई के रूप में विश्लेषण करना। जिस अध्ययन में अर्थन को तमाम इकाइयों का समावेश करना हो, यानी व्यापक, यानी बहुत सारी, सूक्ष्म यानी कम। अर्थशास्त्र में मांग का अध्ययन करने के लिए विश्लेषण की इकाई ग्राहक है। पूर्ति के अध्ययन में पीढ़ी विश्लेषण की इकाई है। पीढ़ी मतलब व्यापार या कंपनी। उपयोग की इकाई वस्तु या सेवा है। श्रम विभाजन में, श्रम बाजार में श्रम इकाई है, जहाँ इन इकाइयों को व्यवहार करने के लिए अध्ययन किया जाता है। जहाँ सीमा को गणना में लिया जाए उसे सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र कहा जाता है। ऐसे अध्ययन का केंद्र बिंदु इकाई होता है, जबकि व्यापक लक्ष्य इकाई का अध्ययन केंद्र बिंदु समाविष्ट होता है। वस्तु की कीमत और उसके निर्धारण के अध्ययन, पीढ़ी की समतुल्य का अध्ययन, श्रमिक के सीमांत उत्पादकता के आधार पर वेतन निर्धारण, ये सभी संदर्भ सूक्ष्म लघु अध्ययन दर्शाते हैं। जबकि अर्थन में सामान्य भाव स्तर निर्धारण, मूल्य के मूल्य का अध्ययन, राष्ट्रीय आय की गणना जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या जैसे राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन व्यापक लक्ष्य अर्थशास्त्र में होता है। सूक्ष्म लक्ष्य अर्थात ग्राहक, पीढ़ी, श्रमिक जैसे आर्थिक इकाइयों का निर्णय करने में मदद रूप होता है। इनके आर्थिक व्यवहार को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। जबकि व्यापक लक्ष्य अर्थात सरकार को आर्थिक नीति बनाने, आर्थिक संस्थाओं को निर्णय लेने में मदद रूप रहते हैं। याद रहे सूक्ष्म लक्ष्य अर्थात और व्यापक अर्थात ही दोनों भाग अध्ययन और विश्लेषण का ही है। करने तक शेष सूक्ष्म लक्ष्य अध्ययन पर से व्यापक लक्ष्य नीति बनाने में सहायक होता है, और व्यापक लक्ष्य नीति की इकाई पर होने वाले असरों का भी अध्ययन किया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे इसमें आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति। सबसे पहले हमें यही देखना है। भाषा के द्वारा वर्णनात्मक में आंकड़ों और आकृति के द्वारा होती है। भाषा के द्वारा होती है, फिर आंकड़ों के द्वारा, और फिर है आकृति के द्वारा। पहला इसमें क्या है? पहला हम इसमें देखेंगे, जैसे मांग के नियम में हम समझेंगे कि वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग में विस्तार होता है, यानी कि वस्तु अगर सस्ती होती है तो वस्तु की मांग बहुत सारी बढ़ती है, यानी काफ़ी सारी मांग में होती है। यह है भाषा के वर्णनात्मक प्रस्तुति, यानी जो पहला पॉइंट है वो। मान लीजिए, देखो ये हमारी होती है कीमत,
और ये मांग, यानी वस्तु कितनी महंगी होती है। जैसे कोई रुपए में है, जैसे मान लो कोई एक वस्तु की कीमत 20 रुपए है, तो उस समय बहुत सारे लोग खरीदने आएंगे, कारण कि वो महंगी होती है। दूसरी बार जब वो कीमत 15 रह जाती है तो लोग कितने हो जाते हैं, 40। फिर वो और सस्ती हो गई, 10 हो गई, तो लोग कितने हो गए, 60 हो गए। और जब वो 5 रुपए की कीमत में आ गई तो लोग 80 लोग उसे खरीदने लग गए। ये हमारी टेबल है, इसको हम डायग्राम के जरिए कैसे बनाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से बनाएंगे हम इसको, कि हम पहले सबसे पहले O ऊपर Y और साइड में X, और यहाँ एरो बनाना है क्योंकि ये आगे बढ़ सकते हैं। आपने ग्राफ 10th में किया ही हुआ होगा, तो इनका हमको इक्वल डिस्टेंस लेना है। सबसे ज़्यादा हमारी कितनी है, 80 लेनी है, 80 है तो हम 80 लेंगे। तो इसको कैसे कैसे कर देंगे, 5 से कर देंगे, 5, 10, 15 और 20। इधर हमने क्या है, हमारी कीमत, कीमत हमको कहाँ रखनी है, कीमत हमको सॉरी साइड इधर रखनी है, और इधर हमको मांग रखनी है, वस्तु की मांग। वस्तु की मांग का हमको डिस्टेंस कैसे करना है, 0, फिर 20, क्योंकि मांग कितनी है, 80 है, 20, 40, 60 और 80। अब ये देखिए, जब वस्तु की कीमत 20 रुपए होती है तो खरीदने वाले लोग कितने होते हैं, 20, क्योंकि वस्तु हमारी क्या है, महंगी है। जब वस्तु की कीमत घटकर 15 हो जाती है तो लोग जो खरीदने वाले वो बढ़ के हो गए 40। फिर जब वस्तु की कीमत और कम हो गई, 10 हो गई, तो खरीदने वाले और बढ़ गए, यानी 60 हो गए। अब मान लो कि 5 रुपए ही हो गई तो खरीदने वाले हो गए इसमें 80। फिर हम इसको मिला देंगे और ये हमारी कौन सी होगी, मांग रेखा इसको हम कहते हैं। जब हम ये डायग्राम बनाते हैं तो हमें यहाँ पे भी लिखना होता है कि एक्स पे हमने क्या लिखा, एक्स हमारी का है नीचे, नीचे हमने क्या, नीचे एक्स एक्स पर हमने क्या किया, हमने 2 सेंटीमीटर की एक इकाई ली है, वहाँ पे हमने मांग रखी थी, और इधर वाई पर हमने 1 सेंटीमीटर की रखी है, और इस पे हमने क्या रेट रखी है, जो हमारी है 5 रुपये, ये हमारी इकाई है। और ये अब ये देखो इसमें क्या है, आकृति में उद्गम बिंदु देखने पर ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा इस बात को स्पष्ट करती है कि कीमत में अगर कमी होती है तो लोगों की मांग में बढ़ोतरी होती है। याद रहे आकृति दो चल के बीच के कार्यकारण के संबंध को, यानी इन दोनों के बीच में जो कार्य चल रहा है उसको दर्शाती है। अर्थशास्त्र की तमाम प्रस्तुति तार्किक होती है, यदि और तो के रूप में प्रस्तुत होती है, अनुमानित परिस्थिति में ही वैधिक, सही है और तार्किक है। यानी इस डायग्राम में हमने क्या देखा, आर्थिक जानकारी देखी है, जैसे जैसे हमारी कीमतें कम होती जाती है लोगों की मांग बढ़ती जाती है। और आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, आगे का हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आने वाले समय में, यानी कल। तब तक के लिए बाय बच्चों, एंड थैंक यू एवरी मच।